नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईपीएफओ से संबंधित जो भी अपडेट आते रहते हैं, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं। ऐसा ही एक अपडेट ईपीएफओ से संबंधित आज है, जिसमें गैर नौकरी पेशा लोगों के लिए अलग से ईपीएफओ खोलने पर सरकार विचार कर रही है। इससे किन लोगों को फायदा हो सकता है, यह स्कीम कैसी हो सकती है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जी, अगर आप भी एक गैर नौकरी पेशा है और आप चाहते हैं कि ईपीएफओ में आपका निवेश हो और आगे चल के उसमें आपको रिटर्न मिल सके, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो गैर नौकरी पेशा लोगों के लिए अलग से ईपीएफओ खोलने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके और इस योजना के बारे में आपको पूरी तरह से आप अवगत हो सके। तो चलिए, आज के इस वीडियो में गैर नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार द्वारा अलग से ईपीएफओ खोलने पर जो विचार किया जा रहा है, तो उस अपडेट के बारे में जानते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, गैर नौकरी पेशा लोगों के लिए अलग से ईपीएफओ खोलने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बताया गया है कि गैर नौकरी पेशा लोगों के लिए ईपीएफओ खोलने पर सरकार कर रही है विचार और लोग भी लगा सकेंगे पैसा। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो डिटेल अपडेट है, तो इसके बारे में बताया गया है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत एक अलग से फंड बनाकर गैर नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ईपीएफओ खोलने पर विचार कर रही है। इस स्कीम के तहत अन्य लोग भी इसमें पैसा लगा सकेंगे। सरकार चाहती है कि गैर नौकरी पेशा लोग भी इसमें पैसा लगाकर इसका लाभ उठा सके। फिलहाल देश में ईपीएफओ के लगभग 6 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर है। अभी भारत में ईपीएफओ की प्रोविडेंट फंड स्कीम का सिर्फ कंपनियों, फैक्ट्री आदि के लिए है, जहां पर नियोक्ता और कर्मचारी की व्यवस्था है। कई अन्य सेल्फ एम्प्लॉय को इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता है। वकील, डॉक्टर जैसे प्रोफेशन भी इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। यही कारण है कि सरकार चाहती है कि एक नई योजना लाकर अधिक से अधिक लोग इससे जोड़ा जा सके। यह योजना बहुत हद तक नेशनल पेंशन सिस्टम से मिलती जुलती हो सकती है। नए स्कीम में शर्तें भी अलग होगी। अधिकारी के अनुसार जो लोग ईपीएफओ की नई स्कीम के तहत निवेश करेंगे, उनके लिए नई शर्तों के तहत नए नियम भी बनाए जाएंगे। नए फंड से हुई कमाई के आधार पर रिटर्न पर दिया जाएगा। साथ ही नए फंड से हुई कमाई के आधार पर रिटर्न दिया जाएगा। बताते चले कि हाल ही में ईपीएफओ की तरफ से सब्सक्राइबर को एक बड़ी राहत दी गई है। ईपीएफओ खाता धारक अब नौकरी बदलने पर ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर सकते हैं। पहले यह अधिकार सिर्फ कंपनी के पास हुआ करता था। इस कारण पीएफ खाता धारक अपडेट करने के लिए नियोक्ता पर निर्भर होते थे। गौरतलब है कि पीएफ पर फिलहाल ब्याज दर 8.5% तय किया गया है। ब्याज दर में इस साल भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना संकट के बाद खराब होते अर्थव्यवस्था के कारण ब्याज दर को कम किया जा सकता है। तो जी, ईपीएफओ से संबंधित ये जो अपडेट था कि जो गैर नौकरी पेशा लोग हैं, जिसमें वकील, डॉक्टर ऐसे प्रोफेशनल्स आते हैं, तो वह मौजूदा समय में जो ईपीएफओ की योजना है, तो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इन सभी लोगों के लिए अलग से एक ईपीएफओ बनाकर एक अलग से ईपीएफओ के तहत नई योजना लाकर, यही वजह है कि गैर नौकरी पेशा लोगों के लिए ईपीएफओ के अंतर्गत लाने के लिए सरकार द्वारा एक अलग से नई योजना लाने की तैयारी की जा सकती है। तो जी, आज के इस वीडियो में ईपीएफओ से संबंधित ये जो अपडेट था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस योजना के बारे में सभी को पता चल सके और भविष्य में यह योजना अगर सरकार द्वारा शुरू की जाती है तो इसका लाभ जो है वो ले सके। तो चलिए, आज के इस वीडियो में यही अपडेट था, तो उसी अपडेट के बारे में जानकारी देनी थी। आगे भी ऐसे ही अपडेट मैं आपके लिए लेते आता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आता है, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि जो अगले आने वाले वीडियोज है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और यह बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है।
ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।